बना रही हूँ नारियल के लड्डू। तो इसके सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा घी डाला है और मैं ये नारियल का बुरादा डाल रही हूँ सारा। मैंने 3 कटोरी, छोटी कटोरी से आप नापेंगे, घर की जो कोई भी कटोरी हो उससे आप नापेंगे, तो ये 3 कटोरी, छोटी 3 कटोरी नारियल का बुरादा है। और वैसे मैंने एक बॉल बड़ा वाला लिया है। ये देखिए हमारा नारियल अच्छे से सिक गया है घी में। अब हम इसी स्टेज पे क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें 1.5 कटोरी दूध डालेंगे। तो मैंने 3 कटोरी तो नारियल का बुरादा लिया था और इसमें 1.5 कटोरी दूध डाल रही। तो अब इसको अच्छे से हमें चलाना है, इसको चलाते रहना है, नहीं तो हमारा नारियल इसमें कढ़ाई में लग जाएगा तो उसमें अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए फ्रेंड हमारा दूध भी अच्छे से पक गया है इसमें। अब हम इसी समय क्या करेंगे, हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैं 1 कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं स्वाद अनुसार, आप जितनी भी चीनी मिठास खाते हैं उस हिसाब से। अब इसको हमें अच्छे से मिलाना है, हमने एकदम चीनी पूरी नहीं डाली, थोड़ी थोड़ी करके डाल रहे हैं, चलिए ये मिला रहे हैं। फिर हमें लग रही है थोड़ी कम तो हम थोड़ी सी और डाल सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से लगातार मिलाते रहेंगे। चीनी घुल रही है, घुलने लगी है, कढ़ाई भी में भी तेल छोड़ने घी छोड़ने लगा है ये नारियल। ये देखिए अभी थोड़ा और हमें अच्छे से मिलाना है। तो ये देखिए फ्रेंड चीनी और नारियल अच्छे से मिल गए हैं। ये देखिए हमारे पिक्चर अलग अलग नहीं हो रहा, सारा एक साथ ही मिक्स हो गया है। ये देखिए और घी छोड़ने लगा है पूरा नारियल। तो इसी स्टेज में हम क्या करेंगे, एक मिनट के लिए बस तेज करके गैस को और इसको मिलाएंगे। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड हमने एक थाली में मिक्सचर को निकाल लिया है, अब इसको थोड़ा ठंडा कर लिया है, हमने ज़्यादा ठंडा भी नहीं करा। और अब हम लड्डू बनाएंगे। तो हम इस तरीके से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हम लड्डू बनाएंगे, गरम है थोड़ा फ्रेंड ये, और इस तरीके से हम बन गया है कितना अच्छा। अब थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से गद्दी पे इस तरीके से हम करेंगे, क्योंकि इससे क्या है हमारी ये इसकी सेव अच्छी आ जाती है। ये देखिए, ये देखिए आउटलाइन वगैरह इसकी आउटिंग जो अच्छी से हो जाती है। तो ये बन गया है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने नारियल का सूखा बुरादा रखा था, इसमें हम इसको इस तरीके से करेंगे कि इससे हमारा लड्डू इसमें अच्छे से कलर दिखे। ये देखिए बन गए ना हमारा लड्डू। अब हम एक प्लेट में इसको लड्डू को इस तरीके से रख देंगे। ये देखिए देखिए फ्रेंड हमारे सारे लड्डू बन गए हैं। इस तरीके से आप नारियल का जो हमने सूखा रखा है बुरादा, उसमें सारे लड्डुओं को इस तरीके से हमें करके, ये देखिए देखिए सारे लड्डू हमारे बनकर देखिए रेडी हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे लड्डू दिख रहे हैं, कलर आया है। तो आप ये लड्डू ज़रूर बनाइए और गणपति पप्पा को भोग लगाइए। और अगर आपको ये लड्डू पसंद आए, ये देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड, वो खाने में भी बहुत टेस्टी हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।